नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज से 5 दिनों का दीपोत्सव पर्व शुरू हो गया है। लोगों ने अपने घरों की सफाई रंग रोगन लगभग पूरा कर लिया है। अब सजावट का काम शुरू हो गया है। आने वाले 5 दिनों तक दीपावली पर्व की धूम रहेगी। धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है, इसीलिए लोग कुछ नहीं तो एक चम्मच तो जरूर खरीदते हैं। धनतेरस को लेकर करनाल में भी रौनक नजर आई। सभी दुकानों पर भीड़ देखने को मिली। लोग धनतेरस को लेकर बाजार में कुछ ना कुछ सामान खरीदने आए हुए थे। बाजार में सभी दुकानें सुंदर सुंदर सजी हुई दिखाई दी। शहर के बर्तन दुकान से लेकर अलमारी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचने वाले दुकानों पर मेले जैसा नजारा दिखा। स्वर्ण भूषण की दुकान से लेकर मिठाई बेचने वालों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखते ही बन रही थी। हर लोग धनतेरस को लेकर कुछ ना कुछ खरीदने के चक्कर में एक दुकान से दूसरी दुकान अपनी इच्छित सामानों को खरीदने में मशगूल दिखे। धनतेरस के अवसर पर बर्तनों, सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर खरीदारी हुई। धनतेरस को लेकर बाजारों में लक्ष्मी एवं गणेश की मूर्तियां भी सजी हुई दिख रही थी। 5 दिनों का दीपोत्सव पर्व आज यानी 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। कुछ लोग तो 12 को तो कुछ 13 नवंबर को ये पर्व मनाएंगे। पंचांग भेद के कारण इस बार धनतेरस को लेकर असमंजस सा बना हुआ है। विद्वानों के मुताबिक धनतेरस पर शाम के समय लक्ष्मी और कुबेर की पूजा व यम दीप दान के साथ ही खरीदी के लिए भी श्रेष्ठ समय रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा होने से पूरे दिन खरीदी की जा सकती है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर की शाम से शुरू होगी, जो 13 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे तक रहेगी। इसी कारण 12 नवंबर को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने से इसी दिन शाम को भगवान धन्वंतरी की पूजा और यम दीपक लगाकर धनतेरस पर्व मनाना चाहिए। जो त्रयोदशी तिथि में खरीदारी करना चाहते हैं वो 13 नवंबर को कर सकते हैं। इस तरह धनतेरस की खरीदारी 2 दिन की जा सकेगी। इसके बाद 13 को चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 14 को दोपहर में करीब 1:25 तक रहेगी। फिर अमावस्या शुरू हो जाएगी, इसीलिए 14 को रूप चतुर्दशी और दीपावली पर्व दोनों मनाए जाएंगे। 15 को गोवर्धन पूजा और 16 को भाई दूज का पर्व होगा। यहाँ आपको बता दें कि परिवार में समृद्धि और अक्षत रखने की कामना से ही इस दिन चांदी के सिक्के, गणेश व लक्ष्मी प्रतिमाओं की खरीदारी करना शुभ होता है। साथ ही सोने चांदी की चीजें खरीदने की भी परंपरा है। इसके अलावा पीतल, कांसे, स्टील व तांबे के बर्तन भी खरीदने की प्रथा है। धन्वंतरी भी इसी दिन अवतरित हुए थे, इसी कारण भी इस दिन को धनतेरस कहा गया है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत लेकर निकले थे, इसीलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी को पूजा सामग्री के साथ औषधियां चढ़ानी चाहिए। औषधियों को प्रसाद के तौर पर खाने से बीमारियां दूर होती हैं। भगवान धन्वंतरी को कृष्णा तुलसी, गाय का दूध और उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। पूजा में लगाए गए दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यमराज के लिए दीप दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए आटे से चौमुखा दीपक बनाना चाहिए। उसमें सरसों का या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में या दहलीज पर रखना चाहिए। ऐसा करते हुए यमराज से परिवार की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के मुताबिक धनतेरस पर यमदेव के लिए दीप दान करने से परिवार में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि धनतेरस का क्या महत्व है। इस दिन नए उपहार, सिक्के, बर्तन, गहनों की खरीदारी करना शुभ रहता है। शुभ मुहूर्त समय में पूजन करने के साथ धान्यों की पूजा की जाती है। 7 धान्य जैसे कि गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जो चावल और मसूर होते हैं। 7 धान्यों के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती का पूजन करना लाभकारी रहता है। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्ठान का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है।
धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था। धन्वंतरी देव देवताओं के चिकित्सक हैं। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना शुभ रहता है। लक्ष्मी जी व गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर लाना घर कार्यालय व व्यापारिक संस्थानों में धन सफलता व उन्नति को बढ़ाता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना की जाती है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। कृष्णा ज्वेल्स नेहरू पैलेस से धनतेरस का बड़ा मार्केट में बड़ा अच्छा उत्साह है और ये 12 तारीख से शुभ मुहूर्त चलते चलते 13 तक ये रात तक का शुभ मुहूर्त है। आप आए सभी बाजार के अंदर सारी दुनिया आई हुई है और इस दिन लेना गोल्ड या सिल्वर लेना बड़ा शुभ माना जाता है। आप सभी से गुजारिश है आप आए और यहाँ पे आके कुछ ना कुछ खरीदें ताकि लक्ष्मी का हमेशा पूरा जीवन भर आपके आगमन हो और ऐसे जीवन आपका बढ़िया चलता रहे और उन्नति हो सारे परिवारों में। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।